अगर आपको कार चलाने में मज़ा आता है तो आपको किस तरह की कार चुननी चाहिए? सबसे पहले वो एक सेडान होनी चाहिए, फिर उसमें एक बढ़िया ताकतवर अच्छे रिस्पॉन्स वाला पेट्रोल इंजन होना चाहिए, और अगर मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाए तो बात ही क्या, और अगर मैनुअल ना मिले तो DSG मिले, और साथ में मिले पैडल शिफ्ट्स। मिलिए नई स्कोडा स्लाविया 1.5 TSI से। इस कार में ये सारे फीचर्स हैं। हम आपको स्लाविया के 1 लीटर मॉडल का रिव्यू पहले ही दिखा चुके हैं, और इन दोनों कारों में केवल इंजन और गियरबॉक्स का ही फर्क है, तो शुरुआत उसी से करते हैं। हाँ, आप इस प्लेटफॉर्म, इंजन और गियरबॉक्स को पहले कुशक में देख चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस नई कॉम्पैक्ट सेडान पर यह कितना कारगर है। अच्छा, दमदार इंजन है ये, 1.5 लीटर TSI 4 सिलेंडर का इंजन है। आपको करीब 148 PHP की ताकत मिल जाती है और 250 Nm का टॉर्क है, जो अच्छा आंकड़ा है। इसकी रेंज भी बढ़िया है, आपको ये 1600 RPM से मिलता है और करीब 3500 RPM तक आपके साथ रहता है, तो आपको एक मज़ेदार ड्राइव का अनुभव इस कार में मिल जाता है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में कार को करीब 8.8 सेकंड लगते हैं, जो 1 लीटर वाले मॉडल से कुछ ज़्यादा तेज़ है, और टॉप स्पीड उसके बराबर ही है, जो है करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटा। मिड रेंज में स्लाविया 1.5 सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करती है। टर्बो इंजन का रिफाइनमेंट शानदार है और ये आक्रामक तरीके से ड्राइवर की सभी मांगों को पूरा करता है। इस इंजन को मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है, जैसे हमने स्कोडा कुशक में देखा था। ये एक 2 शाफ्ट गियरबॉक्स है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। अगर आप इसको कंपेयर करें 1 लीटर वाले मॉडल से, तो वहाँ भी 6 स्पीड मैनुअल है, लेकिन ये थोड़ा हल्का है, तो गाड़ी को बेहतर परफॉर्मेंस देने में ये मदद करता है। गियर बहुत आसानी से बदल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, क्लच भी काफ़ी हल्का है, तो पूरा एक्सपीरियंस है गियर बदलने का, वो बहुत अच्छा है इस 1.5 स्लाविया TSI में। इसके अलावा 7-स्पीड DSG भी है, जो आपको 1 लीटर वाले मॉडल में नहीं मिलेगा। वहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर है, यहाँ पे DSG दिया गया है, तो सबसे मज़ेदार ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अगर है तो वो इस 1.5 के साथ ही है, और उसके साथ पैडल शिफ्ट्स भी दिए गए हैं। तो एक बार फिर, अगर आपको मैनुअल नहीं चलानी है लेकिन इस इंजन का मज़ा लेना है, तो आप DSG और पैडल शिफ्ट का इस्तेमाल करके एक बढ़िया ड्राइव का एहसास ले सकते हैं। स्टीयरिंग में अच्छा वजन है और इससे बढ़िया फीडबैक मिलता है। DSG मॉडल में पैडल शिफ्ट भी दिए गए हैं, जो कार चलाने के शौकीनों को हमेशा पसंद आता है, खास तौर पर एक खाली सड़क पर कार को चलाने में काफी मजा आएगा। माइलेज हमेशा से एक अहम चीज रही है हमारे लिए कारों में, लेकिन आजकल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ये और भी अहम मुद्दा हो गया है। स्कोडा का कहना है कि इस 1.5 लीटर स्लाविया पे आपको 18 किलोमीटर प्रति लीटर से भी बेटर माइलेज मिल जाएगा, चाहे मैनुअल हो या ऑटोमेटिक। अब ये करने के लिए कुछ कदम खास तौर पर उठाए गए हैं। एक है, इस गाड़ी में सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, इस सेगमेंट में पहली बार देखी गई चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जब लगता है कि इंजन पे जोर कम पड़ रहा है, परफॉर्मेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो 4 में से 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका पेट्रोल बचता है, उससे बेहतर माइलेज मिलने में मदद मिलती है। इसके अलावा कार में स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है, आपको हर वेरियंट पर मिल जाती है, तो यहाँ पर भी है। उसमें जब आप गाड़ी न्यूट्रल में कहीं छोड़ते हैं तो इंजन खुद ही बंद हो जाता है, या गलती से भी अगर आपसे गाड़ी बंद हो जाती है तो क्लच दबाइए, गाड़ी दोबारा स्टार्ट भी हो जाती है, तो एक बहुत काम की चीज़ है। पेट्रोल भी बचाती है और आपकी सहूलियत को भी बढ़ाती है ट्रैफिक में। स्कोडा के हिसाब से सिलेंडर लाइनर्स की प्लाज्मा कोटिंग बहुत ही पतली 0.15 mm की परत से की गई है, जिससे बेहतर माइलेज मिलता है। जाहिर सी बात है, एक सेडान है स्लाविया, तो उसकी हैंडलिंग तो बढ़िया होगी ही। जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसकी जो रूफ लाइन है या इसके आप जो पूरा सिलुएट है बॉडी का, एक बढ़िया हैंडलिंग देने में मदद करता है, और राइड क्वालिटी से भी मुझे कुछ खास शिकायत नहीं है। हमारी रोड्स के हिसाब से इसके सस्पेंशन को बढ़िया ट्यून किया गया है, तो राइड क्वालिटी और हैंडलिंग का एक बढ़िया मेल आपको देती है स्कोडा स्लाविया। लुक्स और फीचर्स की बात करें तो 1 लीटर और 1.5 लीटर स्लाविया में कोई भी फर्क नहीं है। जो ये खूबसूरत क्रिस्टल ब्लू रंग आप देख रहे हैं, ये सिर्फ स्कोडा की कारों पर ही दिखेगा, क्योंकि ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन सिर्फ कार के सबसे ऊंचे स्टाइल ट्रिम में दिया जा रहा है, तो इस कैबिन में फीचर्स की भरमार है।
8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, ग्राफिक्स भी इसके बढ़िया हैं, 10 इंच की टच स्क्रीन के साथ आप वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। साथ एक वायरलेस चार्जर दिया गया है। दोनों अगले पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो गर्मी के मौसम में बहुत काम आएंगी, और दोनों की हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। गाड़ी में एक सनरूफ भी दिया गया है स्टॉप ट्रिम में, और एक स्कोडा साउंड सिस्टम भी है, 380 वाट का साउंड सिस्टम है, 8 स्पीकर हैं और साथ में एक सबवूफर भी है। तो फीचर्स की यहाँ इस डेलीटर TSI में कोई कमी नहीं। बाजार में स्लाविया 1.5 का मुकाबला होंडा सिटी, ह्यूंडई वर्ना और जल्द आने वाली फोक्सवैगन वर्टस से होगा। कार के 1 लीटर मॉडल के स्टाइल ट्रिम की कीमतें 13,59,000 रुपए और 15,39,000 रुपए के बीच हैं। इसे देखते हुए 1.5 लीटर स्लाविया 14.5 लाख रुपए के आसपास शुरू हो सकती है। ये इसे सेगमेंट की सबसे महंगी कार बना सकता है, लेकिन जैसा कि हमने हाल ही में कुछ कारों के साथ देखा है, इस रणनीति ने स्कोडा के लिए अच्छा काम किया है, क्योंकि एक बार जब आप इस कार को खरीद लेंगे तो ये आपके चेहरे पर मुस्कान ही लाएगी।